क्या आप जानते हैं PM2.5 और PM10 क्या हैं और ये हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। PM को पार्टिकुलेट मैटर या पार्टिकल पोल्यूशन भी कहा जाता है, जो कि वातावरण में मौजूद ठोस कणों और तरल की बूंदों का मिश्रण होते हैं। हवा में मौजूद ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके ही देखा जा सकता है। कण प्रदूषण में PM2.5 और PM10 शामिल हैं, जो बहुत खतरनाक होते हैं। PM2.5 वे कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये कण हमारे बालों के व्यास के लगभग 3% होते हैं। आमतौर पर PM2.5 के रूप में लिखा जाता है। इस श्रेणी के कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जबकि PM10 वे कण होते हैं जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर होता है और इन्हें हम फाइन पार्टिकल भी कहते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि PM10 को रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, जिनमें धूल, गर्द, धातु के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। हवा में PM2.5 की मात्रा 60 और PM10 की मात्रा 100 होने पर ही हवा सांस लेने योग्य सुरक्षित माना जाता है। पार्टिकुलेट मैटर भिन्न आकार के होते हैं और इन्हें उत्पन्न होने वाले स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी स्रोतों में ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, धूल और खाना पकाने वाला धुआं शामिल है, जबकि सेकेंडरी स्रोतों में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायन शामिल हैं। PM2.5 और PM10 कण दोनों इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों के माध्यम से इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ये कण हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और इनसे खांसी और अस्थमा के दौरे पड़ सकते हैं। उच्च ताप, दिल का दौरा, स्ट्रोक आदि भी कई गंभीर बीमारियाँ इनसे उत्पन्न हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप समय से पहले मृत्यु भी हो सकती है और PM2.5 का स्तर ज़्यादा होने पर धुंध बढ़ जाती है और साफ दिखाई देना भी कम हो जाता है। इन कणों का हवा में स्तर बढ़ने पर सबसे बुरा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।